तो बेसिकली ये बात तब की है जब मैं स्कूल में पहली बार फ़ोन लेके गया। अब जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं थोड़ा मतलब सीधा टाइप का बच्चा हूँ, प्राइमरीली बिकॉज मेरी मम्मी थोड़ी स्ट्रिक्ट है इन सब मामलों में, इसलिए मैं कभी फ़ोन लेके नहीं गया था। मैं थोड़ा ज़्यादा ही फ्रीक आउट कर गया। आई थिंक दैट्स बिकॉज मैं इस डिवाइस से ही सारी रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो इस पर्पज़ के लिए ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल चीज़ है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि कहीं जब्त ना हो जाए, कोई इसको ले ना ले, कोई देख ना ले, तो मेरी बहुत फट रखी थी। लेकिन जब मेरी फटेगी तो तुम्हें भी तो इन्जॉयमेंट मिलेगी, तो इन्जॉय आई गेस। भाई यार मैं तो स्कूल तो ले आया इसको भाई, बट आई एम नॉट सो श्योर इफ दिस वॉज अ गुड आइडिया भाई। वो जो गेट में से जाना है वो चेकिंग वेकिंग तो नहीं करते होंगे कहीं? लेट्स सी क्या होता है। भाई मैं लैब में आ चुका हूँ किसी तरह, और मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी नोटिफिकेशंस ऑन थी भाई, हर जगह टीचर्स घूमी जा रही थी, अगर एक नोटिफिकेशन आ जाती ना भाई मैं गया। फ़ोन सब तो जाता है। मैं पहली बार ला रहा हूँ एक्चुअली फ़ोन, मैं थोड़ा न्यू हूँ इसके लिए। अंशु तू है व्लॉग में? वाह क्या रिएक्शन दिया। हाँ तू दिख रहा है भाई। ये देखो ये बेचारा केमिस्ट्री पढ़ने जा रहा है, सैड लाइफ है इसकी भाई। भाई ये इंस्ट्रूमेंट देखा तुम लोगों ने? कभी देखा नहीं होगा बता रहा हूँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं इसे ना, छोटी चीज़ें बड़ी दिख जाती हैं। अंशु से सर लंड भी दिख जाएगा फाइनली। ओके सॉरी, इसको कहते हैं वाटर बाथ। इसका फंक्शन मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम लोगों को समझ नहीं आएगा। ऐसी बात नहीं है कि मेरे को खुद नहीं पता इसका फंक्शन क्या है। भाई इसके अंदर चिपकली रहती है, और ये क्या है, इसको क्या कहते हैं अंशु? ऑटोक्लेव। यस दिस इज कॉल्ड ऑटोक्लेव। एनीवेज ये है इनक्यूबेटर, इसके अंदर ओवरनाइट बच्चे डालते हैं, पक जाते हैं। दिस इज सेंट्रीफ्यूज, इसमें लस्सी बनती है। और ये माइक्रोवेव है, ये तो तुम लोगों को पता ही होगा। गाइस मैं तुम लोगों को इस रूम में लेके जाने वाला हूँ, यहाँ पे बच्चों को भी घुसना अलाउड नहीं है, लेकिन अगर मैम नहीं है तो मैं ले जा सकता हूँ। राइट, इसमें क्या है, बहुत ही साफ सुथरे से सिंक्स हैं, कुछ कुछ बिल्कुल ड्रेन के टॉयलेट नहीं लग रही है। भाई ये क्या है? इसमें डिस्टिल्ड वाटर बनता है। तेरे को कैसे पता? अच्छा गाइस हम लोग कबर्ड चेक कर रहे हैं, बिल्कुल इलीगल काम है बता रहा हूँ ये। यहाँ पे ये हम लोगों को भी अलाउड नहीं है, तुम लोगों को दिखा रहा हूँ लिटरली। तुम लोग हो भी कौन? देखा कितना इंटरेस्टिंग था। चाय बनाने का है ना, समझ रहा हूँ मैम। अलग अलग तरीके से पीसती हैं। हाँ भाई मैम यहीं से उठा के ले चले जाऊँगा। सही है, पता मैम ने भी थोड़ा जुगाड़ कर रखा है। मैंने तुम लोगों को अभी तक जो भी दिखाया है बहुत ही ठीक ठाक चीज़ें हैं, मतलब 1-2 लाख के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन बेस्ट चीज़ मैं तुम लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, आर यू रेडी? देखो डस्टबिन, गंदी सी स्मेल है इसमें। भाई हमारी मैम आ रही हैं, दूर से दिख रही है हमें। जब तक मैम नहीं आ रही आई कैन टेक दिस प्रिविलेज। ये यहाँ भाई हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, प्रैक्टिकल्स चल रहे थे, और बीच में ऐसे 10-15 मिनट्स का वेटिंग टाइम होता है। हम लोगों ने कुछ ऐसे बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रैक्टिकल्स कर रखे थे, और हम लोगों ने सोचा थोड़ा बहुत टाइम पास कर लेते हैं बाहर आके, मैम अंदर बैठी थी। एंड नाउ दैट आई लुक एट दोस क्लिप्स, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई हम थोड़े पागल तो हैं ही। हम लोगों ने अपना न्यूट्रलाइजेशन सॉल्यूशन 13,000 RPM पे सेंट्रीफ्यूगेशन पे डाल दिया है। अब हम इसी खुशी में कार्टव्हील करेंगे। चलो वहाँ से। हाँ कर रहा हूँ मैं। हाँ अभी भाई देख रहे हैं। अभी अंशु कार्टव्हील करेगा, ऑब्वियसली मेरी उससे बेटर ही होगी। कर ले अंशु, कम ऑन गाइस। गाइस कमेंट डाउन बोलो किसकी बेटर थी। वही तेरी एक्चुअली अच्छी थी। बाल के साले जॉनी सिंस लगता भाई, इसकी सोच वहीं जाती है। तो ये भी बोल सकता था कि मैं जॉनी सिंस नहीं लगता, मैं थोड़ा मतलब रॉक लगता है। हाँ ये भी बोल सकता था तू, लेकिन रॉक लगता है, एक ही नाम याद है। लेकिन मुझे पता है मतलब मेरा फिजिक देख के रॉक की याद नहीं आती। तो फोन में को भी पता लग गया, घर पे फोन मिसिंग है, ले गया। घर जाके मैं पिटने वाला हूँ भाई। देख रहा हूँ क्या क्या कर रहा हूँ मैं ब्लॉग के लिए। मैंने पता है क्या किया, मेरा लाल कलर का कवर है, ठीक है, मैंने फोन का कवर हटा दिया। ठीक है, कवर हटा के मैंने वो बुक के नीचे रख दिया, ताकि ऐसा लगे कि बुक के नीचे फोन रखा है। अब मम्मी को थोड़ी देर बाद रिलाइज हुआ जब सिर्फ कवर हाथ में आएगा। मम्मी सोच रहे हैं बड़ी तेजस्वी लड़का है हमारा। हाँ भाई जाके पिटने वाला हूँ मैं। गाइस वहाँ से तुम रोड से आगे जाओगे ना तो एक एक बिल्डिंग है जिसमें है कारपेंटरी ब्लॉक। अलग अलग हॉबीज है वहाँ पे, कारपेंटर वाले टीचर है कि मतलब कुछ नहीं बने तो कारपेंटर तो बन ही जाएंगे। देख रहे हो तुम लोगों के लिए कितना रिस्क ले रहा हूँ, वहाँ पे कैमरा है, उस रूम में मैम बैठी हुई है, उधर से कोई भी आ सकता है, और मैं यहाँ पे बैठ के ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। ठीक है अंशु भाई खाना लाए? नहीं भाई मेरे पास तो है भाई।
भाई एक मिनट रुक जा भाई, ऐसे थोड़ा भाई, भाई मेरी मम्मी ने एक ही दिया है भाई। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। That you know, and they ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because हमने थोड़ा बहुत और ऐसे टाइम पास किया और मतलब ऐसे प्रैक्टिकल्स करे और उसके बाद मेरा वाइवा होने लग गया, तो वो सब मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि भाई वाइवा में मेरी वैसे ही फट रखी थी और उसके बाद पूरे टाइम मेरे साथ मैम थी, फिर फाइनली मैं घर जाने लग गया। वेल हेलो, अब मैं स्कूल से घर जा रहा हूँ, स्कूल ख़त्म हो गया और अभी बहुत थोड़ा इमोशनल से हो रखा हूँ, मतलब थोड़ी डीप थिंकिंग वाला फेज चल रहा है। आज मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ कि मैंने अपने कितने इंपॉर्टेंट मोमेंट्स लूज़ कर दिए हैं स्कूल लाइफ। आज मैं अपना स्कूल घूम के आया बेसिकली, प्रैक्टिकल के बाद हमारे पास टाइम था, एंड हर स्कूल में वो जगह होती है ना जिसमें मतलब बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, एंड मतलब जो बेसिकली पूरे स्कूल से थोड़ा सेक्लूडेड होती है वो जगह, उस जगह पे गया मैं स्कूल, एंड बहुत ही अच्छा स्कूल, बहुत प्यारा स्कूल है यार, बस मैं कभी गया नहीं, क्या कर सकते हैं यार। आज बहुत ऐसा लग रहा है कि यार मैं उस जगह पे मतलब अपने दोस्तों के साथ चिल कर सकता था, मतलब मज़े कर सकता था, अच्छी मेमोरीज क्रिएट कर सकता था, बट वो नहीं हो सकता अभी। ऑनलाइन स्कूलिंग की वजह से बहुत लॉस हुआ यार, नॉट द स्टडीज़ भाई, पहली बात तो स्टडीज़ फकअप हो गई हैं, स्टडी मतलब कुछ नहीं आता यार, 11th का कुछ नहीं आता, उसके ऊपर से भाई इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज जो बन सकती थी वो नहीं बनती। आज मेरे को रियलाइज़ हो रहा है, पहले कभी रियलाइज़ नहीं हुआ, तो जब वो रियलाइज़ होता है ना यार तो बुरा लगता है। अभी मैं स्कूल से घर चल के जा रहा हूँ, आई डोंट हैव अ राइड, जनरली किसी दोस्त के साथ आ जाता था, लेकिन आज लिटरली मैं और दूसरा बंदा था और वो उसके पास साइकिल है, सो वो मेरे को राइड नहीं दे सकता था। सो हाँ जा रहा हूँ, 2.5 किलोमीटर हैं घर के लिए। यार अगर तुम लोग ये देख रहे हो तो मैं बस एक ही एडवाइस देना चाहूँगा तुम लोगों को कि जब भी ऑफलाइन स्कूल जाने का मौका मिले तो प्लीज़ जाओ, प्लीज़, बिकॉज तब तुम लोगों को रियलाइज़ होगा कि हाँ यार यहाँ पे कुछ तो बात है जो घर पे नहीं है। भले तुम लोग घर पे हाँ ठीक है पढ़ाई कर पा रहे हो, बट स्कूल में तुम लोग कुछ ऐसा सीखोगे जो तुम लोग घर पे कभी नहीं सीख सकते। आई होप मेरे कॉलेजेस ऑनलाइन हो, प्लीज़, आई जस्ट होप मैं जा पाऊँ कहीं बाहर, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को घर पे रहना पसंद नहीं, मेरे को घर पे रहना बहुत पसंद है, बट आज मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि बाहर जाके एक्सपोजर लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर पे रह के हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, बट रियल लाइफ स्किल्स तो बाहर जाके ही आती हैं यार। मैं भी घर पहुँचने वाला हूँ, बहुत धूप हो रखी है, काफ़ी थक गया हूँ यार, अभी इस व्लॉग में बस यही बंद कर रहा हूँ, एंड या आई होप यू लाइक व्हाट यू सॉ, इफ़ यू डिड सब्सक्राइब प्लीज़, ओके, एंड या आई विल सी यू गाइज होपफुली सून अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब एंड बाय। पर इस पे किसका जोर है, रोजे इंतजार से बस होते अफसोस है, माना होता होगा नरम दिल इंसानों का, पर दर्द सहते सहते सब हो जाते कठोर है, अंजाम किसी का किसी को है पता नहीं, तन्हा ये मौसम क्यों होता रुसवा नहीं, हिजर का है आलम मुझको हो गई खबर, पर मुझसे क्यों तेरा ये हाथ छूटता नहीं।